साथियों, चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में वादे और इरादे दोनों ही साफ हो गए। कुछ लोग खूब लगा लगा के मक्खन वादे लेके आ रहे, खूब मक्खन लगा लगा के वादे लेके आ रहे, एकदम सलमान खुर्शीद जी की बातचीत की तरह मीठे मीठे। देखिए सलमान भाई अपने बच्चे मित्र बहुत अच्छे आदमी है। मैं जब आ रहा था तो मैंने आते ही आपके सामने अपनी कुछ नाराजगी जाहिर की। ये तो मुझे पता था कि उनसे कानून नहीं बनते, पर उनसे अपने इलाके के लोगों के लिए सड़कें भी नहीं बनवाई जाती है। मेरे को रखा वर्मा आपको पता चला, भले आदमी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बातें करते हैं, उनसे कभी बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है साथियों, देश तो कानून से चलता है, बातों से नहीं चलता। और जो सड़क पर गाड़ी चलती है वो सड़क पर चलती है, वो बातों से नहीं चलती। गाड़ी के लिए सड़क चाहिए और देश के लिए कानून चाहिए, और दोनों में असफल में आज मैं फुरखा वाले घरों के कह सकता हूँ। जहाँ उनको बैठ के कानून बनवाना चाहिए वहाँ वो कानून नहीं बनवा रहे, और जहाँ बैठ के उन्हें लोगों की व्यवस्था देखनी चाहिए वहाँ वो लोगों की व्यवस्था नहीं देख रहे। लेकिन बात फुरखाबाद में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि सलमान खुर्शीद जी के बारे में कुछ कहने आए हैं। आपके बीच में इसी मैदान में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे वोट लेने के लिए। हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी पार्टी निकली है चुनावी सभा करने जिसे ना किसी से वोट लेने हैं ना किसी को देने। हम ये भी नहीं कह रहे किसी को देना किसको देना, हम ये भी नहीं कह रहे कि किसको नहीं देना, लेकिन कुछ मुद्दे हैं। सवाल ये नहीं है कि वोट किसे देना है, सवाल ये है कि वोट किन मुद्दों पर देना है। सवाल यह है कि इस देश का मुसलमान, इस देश के कानून मंत्री के झूठे आरक्षण के बारे में वोट देगा, या ये सोच के वोट देगा कि उस आरक्षण की अगर मिल भी गया तो उस कोटे की नौकरी को जब नौकरी मांगने जाएगा कोई पुलिस वाला तो उससे 9 लाख रुपए लिए जाएंगे, 9 लाख रुपए की रिश्वत नहीं देनी है, ये सोच के वोट देगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो लड़का जब नौकरी मांगने जाएगा उस आरक्षण के कोटे के तहत और उसी थाने में जाएगा अपने इलाके के कि मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए, तो थाने वाला उससे पैसे मांगेगा और पैसा नहीं देगा तो उसका चरित्र से प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, नौकरी कर नहीं सकता, रिश्वत रोकनी पड़ेगी। तो सवाल साथियों ये है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे इन पार्टियों से कुछ सवाल हैं जो आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, वो सवाल हम साझा करने आए हैं। हम ये नहीं कहने आए कि किसको देना और किसको नहीं देना, कुछ सवाल साझा करने आए हैं। साझा इसलिए करने आए हैं कि जब हम दिल्ली में बैठते थे तो आप फर्रुखाबाद में बैठते थे, हमारी और आपकी पीड़ा एक ही थी। कुछ लोग आपके पास में आके कह रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश को हमारे हवाले कर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कई राज्यों की जनता ने अपना अपना प्रदेश कांग्रेस के हवाले कर रखा है, वहां की तस्वीर अभी तक क्यों नहीं बदली? सही बात है। इस देश के लोगों ने पूरा देश 7 साल से आपके हवाले कर रखा है, वहां 70,000 करोड़ के 1,75,000 करोड़ के घोटाले तो हो रहे हैं, देश की तस्वीर नहीं बदल रही है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, अब आपको उत्तर प्रदेश के लोगों का वोट चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश में हो रहा भ्रष्टाचार याद आ गया? और जब उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजना चाहते हैं, कानून दे दो दिल्ली में बैठे हुए राहुल गांधी जी, तो आपको याद नहीं आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार? आपको एक बार भी याद नहीं आया कि उत्तर प्रदेश की जनता की सुन लेनी जाए? अब जो चुनाव आया है, उत्तर प्रदेश के राजा बनने का सपना आया है, तो आप आ गए हैं उत्तर प्रदेश में वोट मांगने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को याद दिला रहे हैं कि 21 साल से यहां कांग्रेस का शासन नहीं रहा और 21 साल से आप लुटते रहे हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, गाजियाबाद में रहता हूं, और उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ 21 साल से नहीं पिछले 64 साल से इसी तरह से लुट रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी जी के बयान में जो दर्द सुनाई देता है कि प्रदेश 21 साल से लुट रहा है, उस दर्द की कहानी यह है कि प्रदेश 21 साल से लगातार लुट रहा है और कांग्रेस उसको नहीं लुट पा रही है, उनका दुख यह है। और वो जो आपको आगे कहते हैं बार बार कि हमें 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश दे दो, हम तस्वीर बदल देंगे,
मैं गारंटी देता हूँ उनके वादे में कहीं ना कहीं ये इरादा छिपा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लोगों 21 साल से तुम न जाने किस किस से लुटते रहे, वापस आ जाओ, कांग्रेस आपको लुटना चाहती है, अगले 5 साल कांग्रेस से लुटो। उनको दुख ये इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां होती है तो किसान के बेटे से 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाती है पुलिस में जाने के लिए। दुख इस बात का नहीं है कि 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाती है, दुख इस बात का है कि वो 9 लाख रुपए की रिश्वत 10 जनपद तक नहीं पहुंचती है। दुख इस बात का, दुख उनको इस बात का नहीं है कि हमारे गाँव में राशन चोरी हो रहा है। उनको दुख इस बात का है कि उनके गाँव में काम करने वाला एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अब उनसे ये कहता है साहब राशन चोरी हो रहा है, उस राशन चोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम आपको कमीशन नहीं दे पाएंगे। दुख इस बात का है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार की इतनी ही चिंता है, हम ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है और बहुत है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार की इतनी ही चिंता है तो देश के कानून मंत्री को क्यों नहीं कहते हो कि अच्छा लोकायुक्त बनाओ ताकि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचारियों को जेल में भिजवा दे। वो नहीं कहेंगे क्योंकि कमाई और कमीशन चाहिए, सत्ता चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजना। राजनीति करनी है, जनता की सेवा नहीं करनी है। तो साथियों, आप लोग कानून मांग रहे थे और वो अन्ना हजारे को जेल भिजवा रहे थे, उनकी पार्टी के नेता कह रहे थे, आप जिस नेता की तस्वीर हाथ में लेके, एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में कैंडल लेके मार्च में निकले हुए थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे फरुखाबाद में, उस वक्त कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे अन्ना हजारे तुम तो सर से पांव तक भ्रष्ट हो। उस कांग्रेस पार्टी को ए राजा का 1,75,000 करोड़ का घोटाला दिखाई नहीं देता, उसको दिग्विजय सिंह कहते हैं राजा भाई, कलमारी भाई, और अन्ना हजारे को कहा जाता है तुम तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो। लेकिन साथियों, सवाल सिर्फ कांग्रेस से होता तो हम आपको आके कहते हैं कि इस बार कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी कहा संजय भाई बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटने के वादे किए जा रहे हैं, भाई उसके चले गए, मैं उनसे पूछता कि उत्तर प्रदेश में लैपटॉप, और ऐसे भगाना नहीं चाहिए किसी को, कार्यकर्ताओं से भी मैं कहता हूं उसे पूछना चाहिए भैया आपकी पीड़ा क्या है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी वादा कर रहे हैं कि 26 लाख छात्रों को लैपटॉप दे देंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि इन 26 लाख छात्रों में से कम 22 लाख छात्र उन गाँव में रहते हैं जहां मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली नहीं आती, लैपटॉप कैसे चार्ज करेंगे, कहां से चार्ज होगा वो लैपटॉप। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश का अगर मुलायम सिंह जी की सरकार बनी तो क्या वो ऐलान कर रहे हैं कि अगला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला मोबाइल लैपटॉप घोटाला होने वाला, 26 लाख लैपटॉप की खरीद में घोटाला करेगा आपका मंत्री, उसको जेल भेजने का कानून बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे, हमको ये पूछना है आपसे। आप खरीदे लैपटॉप हमको कोई चिंता नहीं है, आप बांटिए लैपटॉप हमको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमको ऐसा कानून चाहिए कि उस 26 लाख में से 1 लैपटॉप के खरीदने में भी बेईमानी हो जाए तो उत्तर प्रदेश का लड़का उठ के उस मंत्री को जेल भिजवा सके जिसने घोटाला किया था। उस कानून पर नहीं बोलेंगे, लैपटॉप के लॉलीपॉप पर बोलेंगे, उस कानून पर नहीं बोलेंगे, हमको कानून चाहिए। देश कानून से चलता है, व्यवस्था कानून से चलती है, व्यवस्था छात्रों के हाथ में लैपटॉप देने से नहीं चलती है। लैपटॉप के वादे करने से भ्रष्टाचार हो सकते हैं, लैपटॉप आने से इनकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। क्यों हम बीजेपी वालों से भी सवाल करना चाहते हैं कि आप बहुत कहते हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, आपको केंद्र सरकार की बात की आती है भ्रष्टाचार है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाते, जैसा कानून अन्ना हजारे मांग रहे हैं वैसा कानून क्यों नहीं लाते। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, क्यों भी एक बड़े नेता ने यह नहीं कहा कि अगर हम हमारी सत्ता बनी तो हम अन्ना जैसा कानून लेकर आएंगे लोकायुक्त कानून, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। चलिए अन्ना से कोई परहेज है, अन्ना का कहने से कोई परहेज है, जनता का कहने से परहेज है, तो आप ही की सरकार ने उत्तराखंड में एक अन्ना जैसा लोकायुक्त बना दिया है, कह दीजिए क्या उत्तराखंड जैसा लेकर आएंगे, वो ये भी नहीं कह रहे, डरते हैं साथियों। इसीलिए मैंने कहा कि डर यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश लुटेगा अगले 5 साल, सबको चिंता है कि हम लुट पाएंगे कि नहीं लुट पाएंगे। अगर यह डर होता कि उत्तर प्रदेश लुटेगा तो सब कानून की बात करते। मैं तो अखबारों में पढ़ता रहता हूं
अभी मैंने पढ़ा कि अगले छह महीने में सरकार बनने के बाद अगले छह महीने में उत्तर प्रदेश में 90 लाख करोड़ की योजनाएं पारित होनी है। 90 लाख करोड़ की योजना अगले छह महीने में लंबित पड़ी है, हमको पारित करना है। सरकार को आते ही सबकी नजर उस पर लटकी हुई है, सबकी जीप पर लगा रही है कि 90 लाख करोड़ के घोटाले में हम शामिल हो कि हम शामिल हो। मायावती जी से तो पूछे क्या, हम तो उनके प्रदेश में रहते हैं, उनके तो घोटाले की बात ही क्या करें। कल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे हुए थे, वहां एक लड़का आया, उसकी नौकरी लगी है डिफेंस अकाउंट में। उसने बताया, मैंने उससे पूछा भैया कब ज्वाइन करोगे, उसने कहा साहब ज्वाइन तो मैं पिछले महीने कर लेता, लेकिन कलेक्टर साहब जो है कलेक्टर सर्टिफिकेट देने का पैसा मांग रहे, और अभी 4-5 महीने तो लगेंगे क्योंकि क्लर्क से सेटिंग नहीं हो पाएगी। क्लर्क से सेटिंग हो जाएगी तो उसके बाद रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। वो किसान का बेटा क्या सोचता होगा। तो साथियों मैं कहना ये चाहता हूं कि आज किसी भी पार्टी को देख लीजिए, जो 4-5 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही हैं, उनके पास में उत्तर प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं है, कोई सपना नहीं है, उनके पास सिर्फ लूट का सपना है। और उनके पास बताने के लिए, वादा करने के लिए भी या तो लॉलीपॉप है लैपटॉप जैसे, या भ्रष्टाचार है दूसरी पार्टियों के, समाधान नहीं है। हम इन तमाम पार्टियों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आपके हाथ में एक हैंडल गया होगा, ये दो पन्ने का बड़ा हुआ, इस हैंडल में हमने कुछ सवाल पूछे हैं राहुल गांधी जी से भी। हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो आप सलमान खुर्शीद साहब को कह के ऐसा कानून बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे केंद्र में, और आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में भी, ताकि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा सके, छह महीने में उनकी जांच हो सके और अगले छह महीने में उनको जेल भेज दिया जाए, बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे। हम और आप नहीं, सवाल तो यह है कि राहुल गांधी जी बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। खुद तो उत्तर प्रदेश का सब बदलने का वादा तो वही कर रहा है, बात रखेंगे सलमान साहब का, हाँ उनके पास रखी जानी चाहिए, लेकिन अभी तो वो वादा कर देंगे। हो सकता है कहते बनवाएंगे तो उनसे पूछना पड़ेगा जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां भी ऐलान करके आओ, वहां बनवा के आओ। अब ये जनता वादों पर नहीं चलती है, पिछले 1.5 साल में आंदोलन ने हमें सिखा दिया है कि वादों पर नहीं मानना है। अन्ना के साथ में दस्त होते थे, अन्ना और आपके आंदोलन के साथ में केंद्र की सरकार ने, तो वादों पर नहीं चलेगा, चलेगा तो करके दिखाओ। राहुल गांधी जी अगर कहें कि हम बनवाएंगे तो उनको कहिए केंद्र में बनवा दीजिए पहले, असम में बनवा दीजिए पहले, वहां भी राशन का घोटाला हो रहा है बहुत बड़ा। शीला दीक्षित जी आएंगे आपके बीच में, आज कन्नौज में थी, उत्तर प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है। कन्नौज के, फरुखाबाद के, गोरखपुर के लड़के वहां जाके वहां झुग्गियों में रहते हैं, उनके नाम से राशन कार्ड बनते हैं, 4 लाख फर्जी राशन कार्ड दिल्ली में बने हैं, उन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का कानून शीला दीक्षित चौधरी बना रही है, उनसे भी सवाल है। दिल्ली उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार उनको भी दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लूट का मौका उनको नहीं मिल रहा है, उनकी पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो साथियों विजन किसी के पास नहीं है, आपकी समस्याओं का जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ दूसरों के भ्रष्टाचार की लिस्ट है, वो लिस्ट आपके सामने पढ़ दी जाती है, आपको भड़काया जाता है, सब किया जाता है। सवाल तो समाधान का है, सवाल तो विकल्प का है। आप मुझसे पूछेंगे, जैसे मैं बात करके उतरूंगा लोग पूछ लेते हैं कि फिर विकल्प क्या है, जब सारी पार्टियां इतनी दुष्ट है तो वोट किसको दें। तो मैं कहता हूं कि वोट तो किसी को दे दो, विकल्प पार्टियों में मत ढूंढिए, विकल्प नेताओं में मत ढूंढिए, विकल्प व्यवस्था में ढूंढिए। पिछले 64 साल से हम विकल्प पार्टियों में ढूंढते हैं, हमने देश की तमाम बड़ी छोटी पार्टियों को आजमा के देख लिया है उत्तर प्रदेश में, हम नेताओं में ढूंढते हैं, हमने देश के तमाम बड़े नेताओं को आजमा के देख लिया है, अब विकल्प व्यवस्था में ढूंढना पड़ेगा। व्यवस्था में विकल्प ढूंढने का मतलब है कि हमारे पास में, आम आदमी के पास में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि सलमान खुर्शीद साहब जब संसद में बैठ के कोई भाषण दे तो उस भाषण की स्क्रिप्ट 10 जनपद से ना आए, फरुखाबाद में लिखी जाए। सलमान खुर्शीद साहब, आपके एमपी साहब जब संसद में बैठ के किसी कानून पर वोट डाले, न्यूक्लियर बिल का मामला हो या लोकपाल का मामला हो, तो सोनिया गांधी उनको ना बताए कि वोट कहां और कैसे डालना है, फरुखाबाद की जनता से उनको पूछना पड़े कि बताओ मैं कहां वोट डालूं। और कानून होना चाहिए कि सलमान साहब उसी जगह वोट डालें जहां से फरुखाबाद की जनता उनको आदेश करे।
और बात से दुखी नहीं है, विधायकों के लिए है कि फरुखाबाद से चुने जाने वाला विधायक जब लखनऊ की विधानसभा में बैठ के वोट करे, बहस करे, तो मायावती या मुलायम सिंह जी या सोनिया जी या आडवाणी के कहने पर वोट ना करे, बल्कि फरुखाबाद के अपने वोटर से पूछ के जाए। ऐसा कानून आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए, यह है व्यवस्था का विकल्प, वरना तो किसी को राजा बना लीजिए सारे चोर बन जाते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए कि चोर भी राजा बन जाए और वो चोरी करे तो उसे जेल भिजवा सके, ऐसी व्यवस्था चाहिए। सपना तो ये भी है साथियों कि फरुखाबाद का कलेक्टर, अगर फरुखाबाद के नागरिक ये कहें कि ये ठीक आदमी नहीं है, तो फरुखाबाद में एक सभा ऐसे बैठे और आदेश पारित करे मुख्यमंत्री के नाम कि इस कलेक्टर का ट्रांसफर कर दीजिए, तो उस कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाना चाहिए आदेश के साथ। जनता की तरफ से आदेश होना चाहिए, जनता को आदेश देने की ताकत होनी चाहिए। ये 5 साल में अपना राजा चुनना और ये 5 साल उसके सामने गड़गड़ाते रहने का नाम लोकतंत्र नहीं है। अभी तो हम यही करते हैं कि 5 साल में एक राजा चुनते हैं और अगले 5 साल उसके सामने गड़गड़ाते रहते हैं, साहब कलेक्टर बहुत बेईमान है इसको हटा लीजिए, साहब थानेदार बहुत बेईमान है इसको हटा लीजिए। लोगों के पास पावर होनी चाहिए कि अपने कलेक्टर का अपने थानेदार का ट्रांसफर करवा सके और आदेश देके करवा सके, ये पावर होनी चाहिए लोगों के। लेकिन ये व्यवस्था आने में समय लगेगा, ये व्यवस्था एक रात में नहीं आएगी, इस व्यवस्था के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अन्ना जी कहते हैं कि अभी संघर्ष बहुत लंबा है, ये तो शुरुआत है। पिछले 10 साल में हमें पिछले 10 महीने के आंदोलन में, मेरे और आपके आंदोलन ने हमको ये सिखा दिया है कि इस देश में कानून मेरे और आपके कहने से नहीं बनते। आप तो उस जगह से आते, बार बार बात नहीं आ जाती है घूम के, आप तो उस जगह पे बैठे हुए हैं जहां से आपने कानून मंत्री दिया हुआ है, उसके बावजूद वो क्या कानून बनाएगा या आप नहीं तय करते। संसद में बैठ के राहुल गांधी तय करते हैं, 10 जनपद में बैठ के सोनिया गांधी कह देती है कि ऐसा बनेगा तो वैसा बनने लगता है, जनता चिल्लाती रह जाती है 10 महीने तक, वैसे कानून पर सरकार कहती है हम बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए, और जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, कानून बनाओ, तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संसद खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये संसद उस दिन खतरे में आ जाती है जब आप कहते हैं एक देश का लड़का उठ के खड़ा गया होकर कह दे कि तुम चोर हो, तो संसद खतरे में पड़ जाती है, संसद की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। और संसद की इज्जत उस दिन खतरे में नहीं पड़ी थी जिस दिन 4 आतंकवादी बंदूक लेके आ गए थे, तो सारे के सारे सांसद, ज्यादातर सांसद कुर्सियों के नीचे दौड़ गए थे। उस दिन संसद की बेइज्जती नहीं हुई, उस दिन संसद की बेइज्जती को बचाने के लिए खाकी वाला आगे आया था। देश के कोने कोने से गए हुए 4 लड़कों ने जान देके, सीआरपीएफ के 4 लड़कों ने जान दी थी, तब जाके संसद की इज्जत बची थी। जो संसद की इज्जत के हवाले हवा देते हैं हमको, वो तो कुर्सी के नीचे जाके छिप गए थे, इस खाकी में जाके बचाई थी उसकी इज्जत संसद की। हमारे बेटे थे वो, हमारे भाई थे, उन्होंने जाके इज्जत बचाई थी। और आप वहां बैठ गए चुन के, तो आप कहते हो संसद की इज्जत के रखवाले तुम ही हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, हम संसद का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, संसद हमारे लिए लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, लेकिन हम उन सांसदों का सम्मान नहीं करते जो चारा घोटाला खाके गरीबों का 1,75,000 करोड़ रुपए खाके, 70,000 करोड़ रुपए खाके वहां जाके बैठ जाते हैं, उन सांसदों का कतई सम्मान नहीं करते हैं, संसद का हम सम्मान करते हैं। कहने की बात साथियों सिर्फ ये है कि कंफ्यूज होने की बात नहीं है, विकल्प पार्टियों में नहीं ढूंढना है, विकल्प नेताओं में नहीं ढूंढना है, विकल्प व्यवस्था का चाहिए। और यहाँ आने वाले, वोट मांगने आने वाले हर नेता से पूछिए कि व्यवस्था बदलोगे कि नहीं बदलोगे, और अगर बदलोगे तो उसका प्रमाण लाओ कि हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लें। आप कहोगे कि भाई कैसे पूछे, राहुल गांधी आएंगे, सोनिया गांधी आएंगे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी, मायावती जी कोई आएंगे, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह कोई आएंगे, उनसे तो मिल भी नहीं सकते। तमाम बड़े नेताओं के आगे 4 चमचे होते हैं, पीछे 4 गुंडे होते हैं, और चारों तरफ पुलिस लगी रहती है, कैसे पूछेंगे। तो साथियों, मैं जानता हूं नेताओं से नहीं पूछा जा सकता, आप तो सलमान खुर्शीद साहब से भी नहीं पूछ सकते, लेकिन हर पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके मोहल्ले में आकर आपसे जरूर कहने वाला है कि मेरी पार्टी को वोट देना। उसको जवाब दे दिया जाए कि तुम जाओ और अपनी पार्टी के नेता से पूछ के आओ कि व्यवस्था बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अपनी पार्टी की पॉलिसी पूछ के आओ कि वो व्यवस्था बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। और अगर वो कहे कि मेरी पार्टी, मेरे के नेता मेरी सुनते नहीं, तो उसको कहो कि पार्टी छोड़ दो और देश के काम में लगते हैं। इसका जनादान राजी है इन पार्टियों का। साथियों, अपने मोहल्ले में रहने वाले कार्यकर्ता को या तो